हेलो एवरीवान माई नेम इज विजय श्री एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल ऑफ एंड प्रोटेक्शन प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने हमारा फोर्थ यूनिट खत्म कर लिया था जो कि था अल्टरनेटर और ट्रांसफॉर्मर के प्रोटेक्शन के बारे में ओके okay. तो आ, आज से जो है हम शुरू करेंगे हमारा फिफ्थ यूनिट दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ मोटर्स ओके बस बार एंड ट्रांसमिशन लाइन तो सबसे पहले इस यूनिट में हमें देखना है मोटर के बारे में ओके okay. मोटर के फॉल्ट के बारे में हम सबसे पहले जो है स्टडी करेंगे सो लेट स्टार्ट वन बाय वन ओके फॉलोइंग आर एबनॉर्मल कंडीशन विच में टेक प्लेस इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर तो ऐसी कुछ जो एबनॉर्मेलिटीज यानी कि फॉल्ट है जो कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आ सकते हैं वो वन बाय वन हम देखेंगे ओके सो सबसे पहले बताया गया है प्रोलॉन्ग ओवरलोडिंग ओके प्रोलॉन्ग ओवरलोडिंग में बताया गया है जनरली ऑल मोटर्स आर डिजाइन टू विद 15 टू ट्वेंटी शॉर्ट टाइम ठीक है शॉर्ट टाइम के लिए, लिए ठीक है शॉर्ट टाइम के लिए फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट के लिए जो है ओवरलोडिंग झेलने के लिए ये जो मोस्ट ऑफ द मोटर्स है वो डिजाइन की जाती है ओके okay, बट प्रोलोंग ओवरलोडिंग कॉजेज द इनक्रीज इन मोटर टेम्परेचर लेकिन ये जो प्रोलॉन्ग या कि बहुत ज्यादा टाइम के लिए शॉर्ट टाइम के लिए तो मोटर विच स्टैंड कर लेगी बहुत ज्यादा टाइम के लिए अगर बात हो रही है तो बहुत ज्यादा टाइम में क्या हो जाता है मोटर का जो टेम्परेचर होता है मोटर टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाता है ओके एंड विच में फर्दर डैमेज द इंसुलेशन और इससे क्या होता है इंसुलेशन का डैमेज हो जाता है ओके इंसुलेशन डैमेज हो जाता है सो रिजल्टिंग इन वाइंडिंग फॉल्ट इस रीजन से क्या होता है वाइंडिंग में जो है फॉल्ट आ जाता है तो इसीलिए हमें जो है प्रोलॉन्ग ओवरलोडिंग को अवॉइड करना है ओके okay, ओके उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉलिंग स्टॉलिंग सो ड्यू टू एक्सेसिव ओवरलोडिंग एट स्टार्ट और ड्यू टू फेलियर ऑफ बियरिंग्स क्या बोला है एक्सेसिव ओवरलोडिंग या फिर फेलियर ऑफ बियरिंग्स फेलियर ऑफ बियरिंग्स और ड्यू टू सम मैकेनिकल प्रॉब्लम मोटर रिफ्यूज टू स्टार्ट या फिर किसी भी मैकेनिकल प्रॉब्लम से जो है मोटर क्या होती है रिफ्यूज हो जाती है स्टार्ट होने से यानी कि मोटर स्टार्ट नहीं हो पाती इस रीजन से दिस सिचुएशन इज वेरी डेंजरस ये जो सिचुएशन होती है ओके okay, इस रीजन से क्या होता है ओवरलोडिंग और फेलियर ऑफ बियरिंग से जो है मोटर क्या होती है स्टार्ट नहीं हो पाती और उससे उस रीजन से उस सिचुएशन में क्या होता है वो सिचुएशन जो होती है वो डेंजरस होती है क्योंकि जो मोटर होती है वो बहुत ही हैवी करंट ड्रॉ करती है मोटर क्या करती है ड्रॉस हेवी करंट बहुत ही हेवी करंट जो है ड्रॉ करती है फ्रॉम दिस सप्लाई एंड में बोन ओके क्या होता है सप्लाई से जो है बहुत ही हेवी करंट जो है ड्रॉ करती है और इट कैन बी बर्न ओके तो ये इन फैक्ट सिचुएशन इज ब्लॉक रेटेड वोल्टेज क्या बोला है ये जो सिचुएशन है ये ब्लॉक रोटर होती है ब्लॉक रोटर सिचुएशन बोलते हैं जिसमें जो स्टेटर होता है ये सप्लाई होता है रेटेड वोल्टेज से ओके दैट इज सिमिलर टू थ्री फेज शॉर्ट सर्किट यानी कि ये कैसे किसके बराबर है त्रिफेज शॉर्ट सर्किट के बराबर है ओके त्रिफेज शॉर्ट सर्किट के विच इज सिमिलर टू दी थ्री फेज शॉर्ट सर्किट ऑन सेकेंडरी साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर कौन सी साइड में सेकेंडरी साइड में ओके सेकेंडरी साइड में किसकी ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी साइड की सॉरी सा, जो ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी साइड होते हैं उसमें जो थ्री फेज शॉर्ट सर्किट होता है उससे ये बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है स्टालिंग की ओके okay? सो so, ज rated, rated तो जब प्राइमरी जो होती है सप्लाई होती है रेटेड वोल्टेज से तब शॉर्ट सर्किट जो होता है सेकेंडरी में ट्रांसफॉर्मर के जो वो जो थ्री फेज शॉर्ट सर्किट होता है वो बिल्कुल स्टाइलिंग से सिमिलर होता है देन द नेक्स्ट पॉइंट इज अनबैलेंस सप्लाई वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज

अनबैलेंस वोल्टेज कॉजे नेगेटिव सीक्वेंस करंट फ्लो इन दोटर क्या होता है अनबैलेंस वोल्टेज से क्या होता है निगेटिव सीक्वेंस जो है करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है ओके निगेटिव सीक्वेंस में जो है करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है इन द मोटर दैट इज लाइकली टू कॉज ओवर हीटिंग और इस रीजन से क्या होता है ओवर हीटिंग हो जाती है और ओवर हीटिंग हमारे इंसुलेशन को डैमेज कर देती है ओके okay. उसके बाद है सिंगल फेजिंग नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगल फेजिंग सो व्हेन वन ऑफ द सप्लाई लाइंस गेट डिस्कनेक्टेड जब जो है सप्लाई लाइन ठीक है सप्लाई लाइन अगर सपोज किसी इफ ओके इफ़ वन ऑफ़ द सप्लाई इफ वन ऑफ द सप्लाई डिस्कनेक्टेड गेट डिस्कनेक्टेड ओके थ्री फेज सप्लाई कनेक्शन इज नॉन है इसमें अगर सपोज थ्री फेज में से थ्री फेज सप्लाई में से अगर सपोज एक सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गया तो इसको क्या बोलते हैं सिंगल फेजिंग बोलते हैं सिंगल फेजिंग ऑकर्स मेनली ड्यू टू रपचरिंग ऑफ अ फ्यूज वाई दिस ऑकर्स ऑकर्स वाई ड्यू टू रपच्चरिंग ऑफ फ्यूज रप फ्यूज के जो है रपच्चर हो जाने की वजह से ये सिंगल फेजिंग ऑकर हो सकती है ओके रप्चरिंग ऑफ फ्यूज सो और ओपन सर्किट इन वन ऑफ द सप्लाई तो या या तो जो है रप्चर होने की वजह से फ्यूज के या फिर ओपन सर्किट हो जाने की वजह से सप्लाई लाइंस के ओके अंडर दिस कंडीशन मोटर कंटिन्यूज़ टू ऑपरेट ऑन अ सिंगल फेज सप्लाई तो इस सिचुएशन में जो है मोटर क्या करती है इस सिंगल फेज सप्लाई में जो है सिंगल फेज सप्लाई में जो है ऑपरेट होना शुरू हो जाती है ओके इफ दी मोटर इज लोडेड टू इट्स फुल रेटेड फुल रेटेड फुल लोड ओके अगर सपोज मोटर जो है रेटेड फुल लोड पे अगर सपोज ऑपरेट होती है phasing, okay, क्या बोला है इट विल ड्रॉ एक्सेसिव यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में करंट जो है ड्रॉ करती है ओके ऑन द सिंगल फेजिंग सिंगल फेज पे ही जो है एक्सेसिव करंट ये ड्रॉ करना शुरू कर देती है ठीक है सिंगल फेजिंग में कॉज एक्सट्रीम मैग्नेटिक अनबैलेंस और इस रीजन से क्या होता है एक्सट्रीम मैग्नेटिक इनबैलेंस ओके एक्सट्रीम मैग्नेटिक अनबैलेंस यहाँ पे जो है ज हो सकता है रिडक्शन इन टॉर्क ओके टॉर्क जो है रिड्यूस हो सकता है ठीक है टॉर्क भी रिड्यूस हो सकता है एंड ओवर हीटिंग भी हो सकती है ओके ओवर हीटिंग भी हो सकती है तो इस रीजन से क्या क्या हो सकता है एक्सेसिव करंट जब ड्रॉ होता है मोटर अगर सपोज रेटेड हो गई फुल लोड पे तो सिंगल फेज पे क्या करती है बहुत ही एक्सेसिव करंट जो है ड्रॉ करती है उस रीजन से एक्सट्रीम मैग्नेटिक अनबैलेंस हो सकता है टॉर्क भी रिड्यूस हो सकता है ओवर ओवर हीटिंग भी जो है आ सकती है ड्यू टू दी नेगेटिव सीक्वेंस करंट ओके नेगेटिव नेगेटिव सीक्वेंस सीक्वेंस फेज सो दिस कंडीशन कॉज डैमेज टू दी मोटर देयर फॉर प्रोटेक्शन इसीलिए जो है सिंगल फेजिंग के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना हमारे लिए बहुत जरूरी है ओके okay, तो उसके बाद है हमारा अंडर वोल्टेज ओके अंडर वोल्टेज सप्लाई विल कॉज इंक्रीज इन मोटर करंट फॉर द सेम लोड कंडीशन ये क्या करता है जो मोटर करंट होता है वो बढ़ा देता है ओके मोटर करंट को बढ़ाने का काम करता है फॉर दी सेम कर फॉर दी सेम लोड कंडीशन इसी लोड कंडीशन के लिए जो है अंडर वोल्टेज की कंडीशन में क्या होता है कि जो मोटर होता है वो करंट को इंक्रीज कर देता है ठीक है देन रिवर्स फेज फेज का रिवर्स हो जाना डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पॉलीफेज इंडक्शन मोटर इज मेनली डिपेंडेंट ऑन फेज सीक्वेंस तो डायरेक्शन किस पर डिपेंड होती है पॉलीफेज यानी कि मल्टीफेज मोटर पे डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ मोटर डिपेंड्स ऑन फेज सीक्वेंस ठीक है किस पे फेज सीक्वेंस पे जो है ये डिपेंड होती है इफ फेस सिक्वेंस इज चेंज मोटर रन विद रिवर्स डायरेक्शन अगर ये फेस सिक्वेंस जो है चेंज हो गया ओके मोटर रनस एट रिवर्स डायरेक्शन ठीक है मोटर किस पे रिवर्स डायरेक्शन में जो है रन होती है ओके okay. इन सम क्रिटिकल एप्लीकेशन डिरेक्शन इंपॉर्टेंट देर फॉर इन दिस प्रोटेक्शन रिवर्स फेज इम्पोर्टेंट तो इसीलिए जो है डिरेक्शन इम्पोर्टेंट होने की वजह से रिवर्स फेज के लिए हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना बहुत जरूरी है देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेटर अर्थ फॉल्ट एंड फेज टू फेज फॉल्ट ओके, सो स्टेटर वाइंडिंग फॉल्ट्स आर मेनली कॉज ड्यू टू फेलियर ऑफ इंसुलेशन ड्यू टू टेम्परेचर राइज ये किसकी रीजन से होते हैं ये फॉल्ट्स जो हैं ड्यू टू फेल्यूर ऑफ इंसुलेशन ड्यू टू टेम्परेचर राइज ओके जो इंसुलेशन फेलियर होता है टेम्परेचर राइज की वजह से उस रीजन से जो है ये फॉल्ट आते हैं देन उसके बाद है रोटर फॉल्ट ओके रोटर फॉल्ट तो रोटर में किस रीजन से जो है फॉल्ट्स आते हैं रोटर फॉल्ट्स आर वेरी रेयर ये जो है बहुत ही रेयर होते हैं मुश्किल से मिलते हैं हमें ठीक है बहुत ही कम यानी कि ऑकर होते हैं एंड मेनली ऑकर द रोटर इज वाउंड स्लीपरिंग टाइप अगर जो है हमारा रोटर जो है अगर सपोज स्लीपरिंग टाइप है तब जो है रोटर के फॉल्ट आते हैं ओके वाउंड स्लिपरिंग टाइप ओके किस किस तरीके से स्लिपरिंग टाइप में जो है वाउंड किया गया हो तो जनरली नो सेपरेट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड फॉर रोटर फॉल्ट तो इसके लिए जो है किसी भी तरीके का सेपरेट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाता ओके okay. क्योंकि ये बहुत ही रेयर होते हैं तो ये हो गए हमारे मोटर के फॉल्ट्स ओके okay. इसके बाद जो है हमारा टॉपिक वो है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में